अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अकाश अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट सोलूशन दोस्तों मैं आज आपको एस एस टी साइंस के लिए हंड्रेड मोस्ट रिपीटेड एम सिक्यूज़ लाया हूं तो चलिए दोस्तों शुरू करती है सबसे पहला एम सिक्यूज़ है द वर्ड बायोलॉजी एज डिराव फ्राम डैश वर्ड यानी बायोलॉजी का लफ्ज़ कौन सी जबान का लफ्ज़ है तो ये ग्रीक ज़बान यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है क्वेश्चन नंबर दो है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग एसकार्ड बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है साइंस के वो ब्रांच को बायोलॉजी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर तीन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका इसको बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम पढ़ते हैं यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलि टेक्निक्स पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेलफेयर के लिए हों क्वेश्चन नंबर फोर है टू आर मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड एंटरएक्टिंग एंड सेम एरिया इसकार्ड स्कार्ड कम्युनिटी कम्युनिटी कहा जाता है ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है विद डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ कंप्लेक्स मालिक्यूल द लाइफ इन इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ सेल यानी जो मे, मेक्रो मालिक्यूल है वो कम्बाइन होकर क्या बनाता है सिल बनाता है क्वेश्चन नंबर छह है अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर एंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट स्पीशीज स्पीशीज का डिफिनीशन यू भी है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑप्शन स्कॉल्ड स्पीशीज ये भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर सात है मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज एंड हीबेटिंग द सेम पाम एसार्ड पॉपुलेशन इसको पॉपुलेशन कहा जाता है ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है ह्यूमन ब्लड एज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू यानी ह्यूमन का जो ब्लड है वो कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है क्वेश्चन नंबर नाइन है ऑर्गनीज आर ऑर्गनीज क्या है अर्गनीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी ये सेल के अंदर जो छोटे साख होती है इसको ऑर्गनीज uh, कहा जाता है तो इसलिए ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है ए ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू बी ऑप्शन ठीक है अर्गान लेजर इज यूज फॉर ऑपरेटिंग द ग्लूकोमा सी ऑप्शन ठीक है ग्लूकोमा एक आई बीमारी है जिसमें जो ऑप्टिक नोर है वो डिमेज होने की वजह से ब्लाइंडनेस काज हो जाता है इसको ग्लूकोमा कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डिवाइस विच कन्वर्ट एनअलाक सिग्नल एंड टू तो डिजिटल सिग्नल एस्कार मोड एम ऑप्शन नंबर सी टीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच ऑफ द पॉलिंग कलर अप्लाई थ्रेवल थ्रू ग्लास विद मिनिमम स्पीड तो ये वायलट लाइट है बी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोरटीन है कंडेंसर इज़ यूज कंडेंसर इज़ यूज टू कलेक्ट द चार्ज ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू द फॉलोइंग उनमें से कौन सा मीडियम है उस जिसमें जो है ना स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है एयर वाटर वुड ग्लास तो इधर सही ऑप्शन है बी ग्लास में साउंड का जो रफ्तार है वो ज़्यादा होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इन द मॉडर्न डे कंप्यूटर व्हेन ऑपरेशन स्टार्टेड द इलेक्ट्रिकल एम्पलियव ट्रैवल तो ये नियरली स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ये ट्रैवल करती है ऑप्शन डी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है टीबिया इज अ बोन पाउंड एंड लेग टीबिया जो बोन है ये पाओ में पाया जा, जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है क्राप रोटेशन एज हेल्प एंड क्रॉप का जो रोटेशन है वो हेल्प करता है किस चीज़ में एरिडिकेशन ऑफ डिजीज डिज़ीज़ को ख़त्म करने में क्वेश्चन नंबर तेईस है अन ऊंड वाइट ब्लड सेल पाइट पारन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया तो इधर ऑप्शन सी ठीक है वाइट ब्लड सेल है वो अगेंस्ट पारन पार्टिकल यानी बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ काम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है ब्लड एज कैरी टू वर्ल्ड वेजल बाई वैन ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है प्रोडक्शन ऑफ स्वीट एंड सी बी एम रिलेटेड विद स्किन यानी जो सी बी एम है या स्वीट है ये स्किन की थ्रू जो है ना रिलीज होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पाउंड एंड मोस्ट सेल वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ज़्यादातर सेल में पाए जाते हैं ग्लूकोज है ए ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड जेनर ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ जोनमी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्लासीफाइड एंड टू फाइव कैंडम फाइव कैंडम क्लासीफिकेशन डी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर उनतीस है फंक्शनल यूनिट ऑफ डी एन एज यानी डी एन ए का जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है ये ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर तैंतीस है परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम पेरो मैग्नेटिक सब्सटांस ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर चौंतीस है द पिनोमिना ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन ये तीन प्रोसेस है फिजिक्स में कंडक्शन तो सही ऑप्शन जो है ना वो बी है कन्वेक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी है ए अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज एज़ एनालॉग क्वांटिटी तो ये क्वांटिटी है ऑप्शन नंबर सी ठीक है सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ए ए ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेंतीज है विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए सी करंट ये गिलवान मीटर है ए ऑप्शन ठीक है इको इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है विच अमांग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मैजिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट तो गैल्वानोमीटर यूज होता है सी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर चालीस है द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज एन ऑटोमोबाइल एज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पास पासकल्ला ऑप्शन डी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज एन मैग मैनुफेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब तो ये ऑक्सीजन और ऑर्गान का गैस है ए ऑप्शन ठीक है स्टडी ऑफ पॉजल एस्कार पेलेंटालोजी यानी जो पॉजिल प्यूल है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं ये पेलेंटालोजी कहा जाता है फिर जो प्लांट की पॉजल है इसको पेलो बॉटनी और जो एनिमल है इसको पेलो जलजी कहा जाता है तो ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर त्रियालीस है डैश आर नीड एज अ सोर्स ऑफ इनर्जी तो सोर्स ऑफ इनर्जी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर चवालीस है बायोलॉजिकल साइंस हैव अ सेट ऑफ मेथोडोलॉजी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ये बेस्ड होता है ऑन एक्सपेरिमेंटल सी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर पैंतालीस है मलेरिया इज एसोसिएटेड विद फीमेल एनापिलस आपस ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर छियालीस है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो फोर डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है ये ऑप्शन ठीक है वेरियस टिश्यू टाइप कंबाइन टू मेक अप टिश्यू कम्बाइन होकर आर्गन बनाता है ऑप्शन बी ठीक है विच विटामिन इज नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंसिटिव पेगमेंट एन रेटिना ऑप्शन बी विटामिन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर अड़तालीस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट ए ऑप्शन ठीक है पचास है पार मेकिंग लेजर यूजुअली वी यूज रबी बी ऑप्शन ठीक है इक्यावन uh, है ट्यूब लाइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्लास ऑप्शन नंबर डी ठीक है इनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एस्कार काइनेटिक इनर्जी सी ऑप्शन ठीक है ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट केमिकल पोटेंशियल इनर्जी आप फूड एंड टू हीट एनर्जी ऑप्शन डी ठीक है द इनर्जी स्टोर एंड पॉजिटिव एज केमिकल एनर्जी ए ऑप्शन ठीक है वट आर दी पाराम कलर कलर विच कैन कांट बी प्रोड्यूस ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर छप्पन है विच ऑफ द पॉलिंग डिवाइस इज यूज टू स्टिप और स्टिप डाउन द वोल्टेज ऑफ ए सी तो ये डिवाइस को कहा जाता है ट्रांसफार्मर ए ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सत्तावन है ऑन अनविच प्रिंसिपल डज द टेप रिकॉर्डर फंक्शन तो टेप रिकॉर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू काम करता है ए ऑप्शन ठीक है बॉल स्टॉप ड्यू टू द एक्शन ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स बी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर उनसाठ है स्मोकिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स एंड गैस ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर साठ है डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड इंटेस्टेंट एज एडिड बाई एमोलिसिफिकेशन ऑप्शन डी ठीक है हीवी वाटर इज नोन एज हीवी वाटर बिकॉज इट्स एन ऑक्साइड डूट्रियम ऑप्शन सी ठीक है केमिकली सोप इज साल्ट ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर चौंसठ है डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप वाई दे आर लेस अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर ऑप्शन सी ठीक है एमोनिया वाज अपटेंड फ्रॉम यूरिन बाय ओलर ओलर एक साइंटिस्ट था उसने अपटेंड किया था तो इधर ऑप्शन हमारे पास बी ठीक है क्वेश्चन नंबर छियासठ है वेन रेडियो एक्टिव रेज आर पास थ्रू एयर आर एनी गैस दे टू ए ऑप्शन ठीक है मेनी पीपल डाइड इन लंडन इन नाइनटीन फिफ्टी टू एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन काज बाई स्मोक ऑप्शन सी ठीक है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल आर डिपॉजिट एट के थोर बिकॉज द के प्रोवाइड ए सप्लाइज एलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए एटिक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय प्यू ड्रॉप ऑफ पार्मल डिहाइड सोलूशन ऑप्शन बी टीक है क्वेश्चन नंबर सत्तर है द रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड एंड के तो आर रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्वेश्चन नंबर इकहत्तर है टेन के रिस्टू पावर नाइन गेगा ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है फेमटो मीन टेन के रेस्टू पावर माइनस फिफ्टीन ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर तिहत्तर है वन लीटर इज इक्वल टू एक हज़ार सेंटीमीटर ऑप्शन सी ठीक है क्वेश्चन नंबर चौहत्तर है दो हज़ार नौ हेज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर तो इसमें फ़ोर सिग्निफिकेंट फिगर है टू ज़ीरो ज़ीरो और नाइन इस तरह सेवेंटी फाइव है पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव ज़ीरो नाइन हेज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर तो इधर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है सिग्निफिकेंट फिगर फाइव ज़ीरो और नाइन है क्वेश्चन नंबर छिहत्तर है विच अमॉन्ग द पोलिंग इज डिराउड क्वान्टिटी तो एक्सेलोशन जो है ना ये डिराइड क्वान्टिट्टी है इस तरह क्वेश्चन नंबर सतहत्तर है फोर्स एक्सेलरेशन मोमेंटम एंड टार्क ऑल और डिराउट क्वान्टिट्टी ऑप्शन सी टिक है क्वेश्चन नंबर अठहत्तर है मोशन ऑफ अर्थ बिलोंग टू विच ऑफ द पोलिंग मोशन तो ये ना ट्रांसलेटरी है ना जिक जिक है ना वाइब्रेटरी है ये है सर्कुलेटरी मोशन ऑप्शन सी टिक है इेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कार्ड लीनियर मोशन रोटेटरी मोशन इस तरह जो है ना ये जिग मोशन -जिग है ऑप्शन डी ठीक है असिलेटरी मोशन बी ये नहीं है तो इधर सही ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर एटी है मिल्क एज कोलाइड इन विच तो ये है इन द इंजन ऑफ रॉकेट दट हेल्प दू टू एयरक्राफ्ट टू लैंड एन मून यूज फॉर द रॉकेट प्युलर इज हाइड्रोजीन ऑप्शन डी टीक है डाल्टन एटामिकिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलेंसी ऑप्शन एटिक है लेपेड आर लॉन्ग चैन पिटीएसिड ईस्टर ये ऑप्शन एटिक है मोस्ट ऑफ द नून एलिमेंट आर मेटल ऑप्शन नंबर बी टीक है क्वेश्चन नंबर पच्चीस है वे द राइज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज़ेज़ क्वेश्चन नंबर छियासी है डिसेंडिंग अ ग्रुप एंड पेरियाडिक टेबल इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट इनक्रीज़ज क्वेश्चन नंबर सतासी है पेदोस अलिकमत विलआलम कीमिया रिटन बाय जाबिर बिन हयान ऑप्शन सी ए ठीक है क्वेश्चन नंबर अठासी है किताबलमनाजिर रिटन बाय जाबिर बिन हयान ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है हु वाज फर्स्ट टू डिस्कवर सल्फ्यूरिक एसिड तो ये था ता ताजाविर बिन हयान ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है मैडम क्यूरी एज फेमस फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइसट फ्यूल वैल्यू हाइड्रोजन गैस ए ऑप्शन ठीक है नाइन्टी टू है विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज फॉर एक्सटिंग फायर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ऑप्शन सी टीक है मिल्क लेक एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिय विच इज़ आयरन ऑप्शन बी टीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर है ऑक्सीजन अकाउंट पर परसेंट ऑफ़ द टोटल ह्यूमन बॉडी मास इंसान की टोटल बॉडी मास में ऑक्सीजन का जो मकदार है वो सिक्सटी फाइव परसेंट है ऑप्शन डी टीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव है हीमोडाइलिस मेन क्लिनिंग ऑफ ब्लड क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स है एन एनिमल कोऑर्डिनेशन एज अचीव बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इधर ऑप्शन डी टीक है बोथ बी एंड सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है प्रोटीन आर फ्रॉम अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑप्शन डी टीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट है पेंडुलम मोशन एज एग्जांपल ऑफ एग्जांपल ऑफ असीलेट्री मोशन ऑप्शन नंबर बी टिक है क्वेश्चन नंबर निनानवे है स्पीड एज क्वांटिटी स्पीड कौन सा क्वांटिटी है स्केलर है वेक्टर है या दोनों है या इसमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है तो स्पीड जो है ना स्केलर क्वांटिटी है ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है ए ऑप्शन ठीक है